रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार आदाब, मैं हूँ सलीमा रजा। और मैं अरशद इकबाल। एक बार फिर से हम सब आपका स्वागत करते हैं आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए वे यह रोशनी का कारवां में। साथियों, आज हम जिस मेहमान से मुखातिब होने जा रहे हैं, उन्होंने संगीत में PhD की हुई है और ऑल इंडिया रेडियो में एक फुल टाइम आर्टिस्ट हैं। जी जी जी, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अवार्ड विनर गायत्री शंकरन की, जो कर्नाटक संगीत की सिंगर है। जन्म से ही दृष्टिहीन गायत्री ने अपनी सुरीली आवाज के जादू से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी का मन मोह लिया है। और आज इनसे, इनके जीवन और संगीत से जुड़े सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे हमारे अपने साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार गायत्री शंकरन जी, आपको दिसंबर 2005 में नेशनल अवार्ड मिला था और फिर 2006 में पद्मश्री। इन दो अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? पद्मश्री अवार्ड, ऑफ़ कोर्स इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दैट अवार्ड फ्रॉम आवर हॉनरेबल प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी, बिकॉज विद इन 6 months आई कुड एबल टू रिसीव 2 awards फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट। सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। तो गायत्री जी, आपको 6 महीने के भीतर 2 बार हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार लेने का सौभाग्य हुआ, एक पद्मश्री से और दूसरा जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो नेशनल अवार्ड है। तो गायत्री जी, आप एक संगीतकार हैं और आप कर्नाटिक म्यूजिक में माहिर हैं, तो ये संगीत के साथ आपका रिश्ता कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली माय मदर वाज अ सिंगर। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय मदर एट द एज ऑफ 3.5। आफ्टर 2.5 years, दैट इज आई थिंक द एज ऑफ 6, आई लॉस्ट माय मदर and I've continued my training from Mr. Someshwar Rao at Andhra Pradesh. I started giving concerts from the age of 8 and I came to Chennai 1980. I joined Kalakshetra. Rukmani Devi Arundel was very much impressed in my singing and she admitted me in Kalakshetra. I did my diploma and post-diploma over there and I've joined Staff Artist of All India Radio Chennai in 1988. And I was learning music from Padma Bhushan Lalkudi Sri Ji Jayaraman for the past 7 years. I have been giving concerts all over the country and abroad. आपने अपने माता जी से संगीत सीखना शुरू किया, जो खुद गायिका थी। 6 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, पर आपने अपना संगीत का जो शिक्षा है वो जारी रखा और आंध्रा से आप चेन्नई आई और संगीत में आपने डिग्रीज भी प्राप्त किया और आज भी आप संगीत सीख रहे हैं। आपने देश विदेश में कई जगहों पर अपना कॉन्सर्ट्स भी किया है और आप ऑल इंडिया रेडियो में एक स्टाफ आर्टिस्ट भी हैं। तो गायत्री जी, आपके ही कॉन्सर्ट से एक गाना सुनते हैं। तो गायत्री जी, हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कितने कॉन्सर्ट्स किए? More than 900। तो आपने 900 कॉन्सर्ट्स किए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब गाती हैं तो आपके जो श्रोता हैं उनका आपके प्रति प्रतिक्रिया क्या है? म्यूजिक इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर फिजिकल दिस थिंग, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, दैट इज सोल। सो द ऑडियंस रेस्पॉन्स इज सो ब्यूटिफुल एंड दे डोंट फील दैट आई एम अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन आर एनीथिंग। वॉट दे विल आस्क इज हाउ यू रिमेंबर ऑल द सॉन्ग्स, बिकॉज साइटेड पीपल दे कैन राइट इन पेपर एंड कीप इट विद दैम। आई डोंट डू दैट एक्चुअली, बट आई मेमोराइज ऑल द सॉन्ग्स। तो आपका कहना है कि संगीत के क्षेत्र में दृष्टिहीन होना कोई बाधा नहीं है, और आपका ये कहना है कि जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं तो आपके जो दर्शक हैं, आपके जो श्रोता हैं, वो आपसे बस यही पूछते हैं कि आप इतने सारे गाने कैसे याद रखते हैं। सो दैट्स वेरी नाइस। अभी आप हमें बताइए कि आपने अपना पढ़ाई कहाँ तक किया है?
I had not been to school at all because in Andhra Pradesh, where we were staying, there was no blind school and all. After did my PG diploma, I joined Open University in Madras University for BA History. I did my graduation from Madras University. I did MA Music in Mother Teresa University and PhD in Madras University. तो आप संगीत में PhD हैं, इतिहास में graduate हैं और आपने PG diploma भी किया है music में. अभी आप बताइए गायत्री जी, आपने कर्नाटक म्यूजिक में शिक्षा प्राप्त किया, पर किस प्रकार के गाने आप अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में गाते हैं? इट डिपेंड्स एक्चुअली. इफ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक म्यूजिक एकेडमी, क्लीवलैंड फेस्टिवल, आई हैव टू प्लान इन सच अ वे दैट इट शुड बी अ वेरी ट्रेडिशनल एंड हैवी म्यूजिक. If I want to perform in a temple, so it can be slightly devotional. And marriage concerts, we have some particular songs. तो आप गाने चुनते हैं आपके कॉन्सर्ट्स के हिसाब से. अगर आप बड़े कॉन्सर्ट्स में गाते हैं तो शास्त्रीय संगीत आप गाते हैं ज़्यादातर. अगर आप मंदिर में गाते हैं तो ज़्यादा भक्ति संगीत गाते हैं. और अगर आप शादियों में गाते हैं तो एक और तरीके के गाने गाते हैं. तो हमारे सुनने वाले आपके मधुर आवाज़ में कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे. वनमाली गति शारंगी शंकीचक्री चनंदगी श्रीमन्नारायण विष्णु वासुदेवोपि रक्षतु. उत्तम, अति उत्तम गायत्री जी, बहुत ही सुंदर. तो गायत्री जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपके फैमिली परिवार वालों को पता चला कि आप के आंखों में रोशनी नहीं है, तो उनका प्रतिक्रिया क्या थी? Because they were a bit worried. They started giving some treatment and other things, but it didn't work out. At one point, my father decided, okay, let us not do any this thing. I've told my father, instead of giving some treatment and other things, I can concentrate on music. I can take it as a profession and I'll come up in music. तो शुरू में आपके परिवार वाले काफी चिंतित थे, पर जब पता चला कि कोई इलाज नहीं है, तो आप लोगों ने decide किया कि जिंदगी जिया जाए और दृष्टिहीनता के बारे में सोचा न जाए. तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपने शादी किया है, तो इस शादी के बारे में थोड़ा बताइए हमें. आई वॉज बिट अगेंस्ट फॉर माई मैरिज बिकॉज आई टोल्ड माई फादर, बिकॉज नॉर्मल पर्सन इवन इफ दे गेट मैरिड आफ्टर सम टाइम दे विल हैव सम फ्रिक्शन एंड दे विल सेपरेट. सो बींग विजुअली इम्पैक्ट पर्सन आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट माई फादर वॉज वेरी कीन बिकॉज आई वॉज द ओनली डॉटर. वेन दिस अलायंस केम आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट आई कॉन्ट डू सो मेनी थिंग्स बिकॉज एनी person will expect his wife to come and select the dresses for him, or while he was watching the TV, they can also share with their feelings with others. But he said, no problem. Wholeheartedly he accepted. And after that, he has given up his job. He was working with some private concern and he's totally dedicate himself to my career. शुरू में तो आप शादी के विरुद्ध थे, क्योंकि आप समझते थे कि दृष्टिहीन होने के वजह से आप काफ़ी कुछ जिम्मेदारी शादीशुदा जिंदगी में नहीं निभा पाएंगे. पर जब आपके होने वाले पति आपको एज गायत्री शंकर स्वीकार किया अपने दृष्टिहीनता के साथ, तो आपने मंजूरी दे दिया और शादी किया. जब आपके शादी हुआ, तो आपके पति देव ने आप उनका जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी था उनको छोड़ के आपके काम में सहयोग देने का आरम्भ किया, तो फिर आपका जिंदगी काफ़ी तेज़ी से आगे सफलता की तरफ बढ़ा. बहुत अच्छे गायत्री जी. तो जाते जाते गायत्री जी, आप हमारे जो युवा संगीतकार हैं, उनको आप अगर दो गुरु मंत्र देना चाहेंगे तो क्या देंगे आप? फर्स्ट थिंग दे शुड हैव गुरु भक्ति एंड सेकंड थिंग दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पर डे. आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyewayorg पर विजिट करें. आई वे, ये है रोशनी का कारवां.
सलीमा जी, कभी कभार जब मैं उन हस्तियों के बारे में सोचता हूँ जिनका जिक्र हम अपने इस प्रोग्राम में किया करते हैं और करते आए हैं, तो उनकी उपलब्धियों पे जब गौर करता हूँ तो एक पल के लिए विश्वास नहीं होता कि क्या कोई शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति इतनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। सही कहा तुमने अरशद। और आज जिस हस्ती के बारे में हम बात करेंगे वो भी इन महान हस्तियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूके के स्टीव कनिंगम की, जो पहले ऐसे दृष्टिहीन पायलट हैं जिन्होंने पूरे यूके में उड़ान भरी है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के हाइन वागनर, जो मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से पहले स्टीव ही जमीन पर सबसे तेज स्पीड के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, और बाय द वे स्टीव का पानी पर भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्टीव के जांबाज जीवन पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं नसीरुद्दीन शाह। स्टीव कनिंगम, जिनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कोई भी असमर्थता आपकी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही स्टीव अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। इस हादसे से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनका जीवन अंधकार में डूब गया, पर उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करने का फैसला किया। आत्मविश्वास से भरे स्टीव ने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई खेलों में भाग लिया। उन्होंने गोल्फ खेला, इंग्लैंड नेत्रहीन फुटबॉल टीम के कप्तान बने, क्रिकेट खेला और 100 मीटर दौड़ में वर्ल्ड जूनियर ब्लाइंड स्प्रिंट टाइटल को भी अपने नाम किया। 26 सितंबर 1999 में उन्होंने मोटर रेसिंग में भी पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाला। नई उपलब्धियों को हासिल करने की अपनी चाहत के चलते 6 सितंबर 2000 को उन्होंने V24 बैट बोट में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। जमीन और पानी पर नए रिकॉर्ड कायम करने के बाद 16 जुलाई 2004 को वो यूके भर की उड़ान को पूरा करने वाले पहले नेत्रहीन पायलट बने, जो अपने आप में एक विशाल व्यक्तिगत उपलब्धि है। खेलकूद में अपने इस शौक के अलावा स्टीव कई कंपनियों में एक सक्रिय बिजनेस पार्टनर भी है। स्टीव नेत्रहीनों की कुछ संस्थाओं से भी जुड़े हैं और खेलों से प्राप्त धनराशि से उनकी सहायता करते रहते हैं। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहां से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहां फिर वहां से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए। और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। थम्स अप इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द कोका कोला कंपनी। कंटेन्स एडेड फ्लेवर, कंटेन्स नो फ्रूट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम जहां जहां रखो। जमीन को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। दोस्तों, अब समय है कुछ ज्ञान की बातें करने का, तो सलीमा जी जरा बताइए, आज ज्ञान बांटने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कौन मौजूद हैं? जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की अनुभूति मित्तल, जो दृष्टिहीन लोगों के साथ साथ शारीरिक रूप से असमर्थ अन्य लोगों के लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हैं। जी हाँ, आज ये हमें नौकरी के विभिन्न अवसरों के बारे में या उनसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में जानकारी देंगी जो खास कर दृष्टिहीन लोगों के लिए हैं। और आज उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रणय गड़ोदिया।
अनुभूति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कुछ काम जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर यानी निजी औद्योगिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। एक होता है कस्टमर सर्विस करके, जैसे कोई सामान बेचा जाता है, फ्रिज हुआ, टेलीविजन हुआ, इवन बैंक का कार्ड होता है, कुछ भी बेचो तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फोन करके सफाई मांग सकते हैं। तो ये जो काम करते हैं लोग, ये कस्टमर सर्विस वाले कहलाते हैं। ये दृष्टिहीन व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है और कई एक कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, बहुत सारे कारखाने हैं कपड़े बनाने के, जैसे कि पैकेजिंग में हो गया, थ्रेड कटिंग होती है, एक लंबाई के धागे काटने होते हैं, वेल्डिंग होती है मशीन की, इस तरह के काफी एक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो पुरानी एक जॉब है जो कि नित नए दिन बढ़ रही है। बीपीओ भी एक, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिसने काफी पिछले 10 सालों से बढ़ाया है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगले 20-25 सालों में ये ही और भी देश की अर्थव्यवस्था को 8% से 10% के उस पे ले जाएगा। 8 से 10% मतलब इसमें 20 लाख से 30 लाख के करीब वेकेंसीज आएंगी, नौकरियां बनाई जाएंगी। इसमें काम किस तरह का होता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। उसमें आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना होता है, उसके लिए आप एक कंप्यूटर आपके सामने होता है, दूर देश के लोगों से बात करनी होती है एक जगह बैठ के, या फाइनेंस का काम करना होता है, अकाउंट्स का काम करना होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिसमें आप लोगों को भर्ती कराते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो ये कुछ एक मैंने अपॉर्चुनिटीज बताई जिसमें कि लोग अभी भी काम कर रहे हैं। अनुभूति जी, अब ये बताएं कि आपके विचार में ऐसे अन्य कौन से कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति काम कर सकता है लेकिन अभी उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है। एक नया काम आया है ऑनलाइन ट्यूशंस का, जिसमें कि कहा जाता है कि जो दूसरे देश के बच्चे हैं, यहाँ के टीचर्स उनको अपने घर में बैठे बैठे पढ़ाते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं, अभी तो देश में 3-4 हैं, लेकिन अगले 1-2 सालों में ऐसी 50-60 कंपनियां हो जाएंगी। तो इसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड आदमी अच्छी तरह से काम कर सकता है, न केवल एज अ टीचर, बट उसके साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ट्रेनिंग मैनुअल बनाना, उसमें पूरी किताबें लिखना, क्वेश्चन पेपर्स बनाना। और सॉफ्टवेयर का क्षेत्र ऐसा है, आपने अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया तो उसका कोई अंत नहीं है। आप आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई और रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो ये कुछ एक काम है। इंडस्ट्रियल एरियाज में जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि एक आदमी एक तरह का काम कई बार करता है और वो एक काम को पूरा करता है, फिर वो नेक्स्ट आदमी के पास जाता है। तो इसमें बस जरूरत है कि अवेयरनेस और बढ़ाई जाए और ऐसी इंडस्ट्रीज को टैप किया जाए। अनुभूति जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति के लिए नौकरी ढूंढने के लिए क्या क्या माध्यम उपलब्ध हैं? पहली तो बात है जो रोजगार समाचार पत्र आते हैं, दूसरा है जो रोज के समाचार पत्र होते हैं, उसमें आजकल हर रोज ही नई नई नियुक्तियों की घोषणा होती है, तो वो एक है। मैं इसमें निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों ही पब्लिश होते हैं। इसके अलावा आजकल इंटरनेट करके जो है, जो गांव गांव तक में पहुंच गया है, वो एक बहुत बड़ा साधन है। और जो कई एक संस्थाओं का अपना ही प्लेसमेंट एजेंसी होती है, जो कि आपका ले लेते हैं बायोडाटा, उसके बाद उसको पढ़ के अलग अलग कंपनियों में उसमें भेजा जाता है और वहां पे जैसा भी रिस्पॉन्स आता है फिर उसको मैच करके आपको बुलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सिलेक्शन होती है किसी जॉब के लिए उसके कॉम्पिटिटिवनेस यानी उसके काबिलियत के आधार पे, तो आप इस बारे में हमारे सुनने वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे इंटरव्यू में जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं दूसरे के सामने, और ये सब आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने बारे में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो ये सब उभर के आएगा आपकी पर्सनालिटी में। तो ये एक एरिया है जिसमें डेफिनेटली जो विजुअली इम्पेयर्ड ग्रुप है, स्पेसिफिकली मैं जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। और दूसरा है, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या गुजराती हो, जो भी आपकी भाषा है जिसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका सही उपयोग होना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि काम के अवसर बढ़ रहे हैं, कई लोगों ने सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से काम करके भी दिखाया है, और बाकियों को भी हमारा यही कहना है कि चक दो, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। Yeah.
करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोर है अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह रोशनी का कारवां। अनुभूति जी, अब ये बताएं कि बायोडाटा यानी रिज्यूमे बनाते समय किन खास बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है? पहला कि बायोडाटा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि वो एक पेज में सब कुछ आ जाए। दूसरी बात, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं काम किया है, तो सबसे बाद में जो काम किया है वो सबसे पहले आप लिखिए और उसके बाद पहले वाला जॉब इस तरह से जाएं। और जरूरी चीजें जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आप जरूर किसी अतिरिक्त व्यक्ति का फोन नंबर दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो जरूर होना, आपने स्कूलिंग की है, जॉब से आपने शिक्षा, जो भी आपको आता है वो बायोडाटा में जरूर होना चाहिए। चलते चलते अनुभूति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एम्प्लॉयर्स अपने पोटेंशियल एम्प्लॉई में क्या देखते हैं और इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट कैसे तैयारी करे? पहले, और ये दो भाग में है, पहला तो जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, उसकी आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी इंटरव्यू के पहले सारे क्वेश्चंस और जो भी प्रश्न आप सोच सकते हैं कि पूछे जाएंगे उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन एम्प्लॉयर ज्यादातर ये भी देखते हैं कि आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, आपका खुद का जो सोचने का नजरिया है वो कैसा है, आप क्या दूसरों के साथ मिल बैठ के काम कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में टीम वर्क भी कहते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ ज्ञान देखना है तो रिज्यूमे देख के ही लोगों को नौकरी पर रख लिया जाता। इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत सीधा सा तरीका है, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके उठने बैठने चलने, आप कैसे कमरे में घुसेंगे, कैसे कुर्सी लेके बैठेंगे, उनको आप कैसे नमस्कार करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों से ही आप पूरा इंटरव्यू प्रैक्टिस करिए, बार बार करिए, किसी को अपने घर में या अपने किसी दोस्त को बार बार बैठा के, और जब तक आपको पता चलेगा इंटरव्यू आपका खत्म हो सकता है और हो सकता है कि आप सिलेक्ट भी हो जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। तो लीजिए श्रोतागण, एपिसोड 21 के सवाल का जवाब देने की घड़ी आ पहुंची है। हमने आपसे पूछा था, एक ब्लाइंड क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जिनमें से ऑप्शन ए सभी पूरी तरह दृष्टिहीन होते हैं, ऑप्शन बी सभी आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, ऑप्शन सी कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, और ऑप्शन डी सभी प्लेयर्स की दृष्टि बिल्कुल सही होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं। हमारी साथी गुनीत सेठी आज हमारे विजेता का नाम बताएंगी। गुनीत जी, तुसी ते आओ। अर्शद जी, तुसी बुलाया ते असी आ गए। सो द विनर फॉर एपिसोड नंबर 21 इज वन ऑफ आवर रेगुलर लिसनर्स, मिस लता जगदीश, जो कि वस्त्रपुर अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। दोस्तों, जैसे कि इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन मिस्टर मानविंदर सिंह पतवाल ने हमें बताया था कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें कि B1 कैटेगरी के 4 खिलाड़ी होते हैं जो कि टोटली ब्लाइंड होते हैं, B2 कैटेगरी में 3 खिलाड़ी होते हैं जिनकी विजन मैक्सिमम 2/60 तक होती है, B3 कैटेगरी के 4 खिलाड़ी होते हैं जिनकी विजन 3/60 से 6/60 तक होती है। लता बेन, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।
और अब बारी है हमारे आज के यानी कि एपिसोड नंबर 27 के सवाल की। और हमारा सवाल है, विकसित देशों में कई दृष्टिहीन लोग आत्मनिर्भर रूप से बाहर जाने के लिए सफेद छड़ी के अलावा दूसरी कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ए, वो घोड़े पर बैठकर जाते हैं। बी, वो रोबो के साथ जाते हैं। सी, वो एक कुत्ते के साथ बाहर जाते हैं जिसे बाहर घूमने में दृष्टिहीन लोगों की सहायता करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। In many developed countries, what is the other thing many blind people use, apart from a white cane, for their independent outside mobility? A. They go on horseback. B. They go with a robot. C. They go with a dog, which is trained to assist blind people for their mobility. Salimanji. जरा बताइए, इंसान का सबसे वफादार साथी कौन होता है? भाई ऐसा है कि एक हमारे दोस्त हैं और वो अपने एक और दोस्त से बड़े सख्त नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम में वफादारी को छोड़ के कुत्ते के बाकी सब गुण मौजूद हैं। वैसे इसका तुम्हारे सवाल से कोई मतलब नहीं है, मगर मैंने कहा चलो बता ही देते हैं, है ना। अच्छा आप खामोश हो जाइए, आप बहुत बोलते हैं। और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0996832932। और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iwayeway.org पर लिखें। भाई लोकल्लो बात, अब तो बोलने पर भी बैन लगा दिया गया है। चलिए मैं चुप हो जाता हूँ और आप ही श्रोताओं से विदा लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। और मैं बोलता ही नहीं जी कि प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आ गया और हम अब जाने वाले हैं। दोस्तों, अरशद बुरा मान गए, इन्हें बुरा मान ले लीजिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब के लिए हेलो, मैं भी आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का।